हाय फ्रेंड्स, ललिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे व चीनी के गुलगुले, जो काफी स्वादिष्ट बनते हैं और जिसे खाकर के आप गुलाब जामुन को खाना भी भूल जाएंगे। इसके लिए हमने लगभग आधा किलो जो गेहूं का आटा है वो लिया है, अच्छे से इसको छान लिया है और एक बर्तन में हमने इसमें अच्छे से डाल लिया है। लगभग हम 50 ग्राम के लगभग जो कोकोनट बुरादा है वो हम लेंगे। थोड़ी सी हम सूंप लेंगे, लगभग 1 टीस्पून, और 1 कटोरी हम चीनी लेंगे और इसका अब जो मिश्रण है वो हम तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने सूप इसमें डाल दी है और इसमें हमने जो कोकोनट बुरादा वो डाल दिया है और चीनी इसमें हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम जो मीठा सोडा है यानी जो बेकिंग पाउडर है वो इसमें हम डालेंगे लगभग 1 चुटकी, और इसमें पानी डाल करके हम इसे अच्छे से इसका मिश्रण तैयार करेंगे। इसका मिश्रण हम तैयार करेंगे, इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे, हमको ठंडा पानी नहीं डालना है और आवश्यकता के अनुसार हम पानी धीरे धीरे डालते रहेंगे। सारा काम यानी सारी ये जो स्वीट है ये पानी पे डिपेंड होती है। जितना आप घोल अच्छा बनाएंगे उतना आपके जो ये गुलगुले हैं वो अच्छे बनकर के तैयार होंगे। गाँव में अच्छी पसंद की जाने वाली डिश है, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब गुलगुले बनकर के तैयार होने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे ड्राई फ्रूट को इग्नोर किया है। अच्छे से मिश्रण को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिएगा, हमने इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डाल दिया है और न ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए न ही ज़्यादा लिक्विड अवस्था में होना चाहिए। इसका मिश्रण आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से इसे हाथ से मिलाएं आप आटे को, नहीं तो इसमें छोटी छोटी बूंदें हैं वो पड़ जाएगी और खाने में काफ़ी खराब लगेंगे आपको ये। इसलिए आप इसका मिश्रण अच्छे से तैयार करेंगे, इसका जो सही अनुपात है वो डालें पानी का, आटे का और चीनी। और मैंने इसमें सूप डाली है, थोड़ा सा मीठा सोडा यानी बेकिंग पाउडर डाला है और चीनी और जो कोकोनट बुरादा है वो इसमें ऐड किया है। देखिएगा, अच्छे से आप मिलाएंगे इसे, 2 से 3 मिनट तक लगातार मिलाते रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा इसकी जो गांठें हैं वो निकल गई है। अभी देखिएगा, हमारा उधर मिश्रण तैयार हो रहा है और हमने एक कढ़ाई में जो सरसों का तेल या फिर जो कोई भी खाने का तेल है वो हम कढ़ाई में डाल करके हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देंगे। जब थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा तो इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से इनकी अच्छी से सिकाई है वो नहीं हो पाएगी। ये देखिएगा, तेल हमारा गर्म हो चुका है, लगभग हमारा मिश्रण भी तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपने गुलगुले, स्वादिष्ट लाजवाब टेस्टी, जिसे आप इस तरीके से एक बार बना लोगे तो आप गुलाब जामुन जो अच्छी और स्वादिष्ट मिठाई मानती हैं चाशनी की, उसको भी खाना भूल जाओगे आप। ये देखिएगा, गुलगुलों का जो पेस्ट है वो बनकर के तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब गुलगुले बनकर के तैयार होने वाले हैं। आप इसमें गांठें निकाल दें ये जरूर बात याद रखें आप। चलिए तो हम बनाना प्रारंभ करते हैं अपने गुलगुले। ये देखिएगा, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब अपने हाथ को भिगो करके हम इस प्रकार से देखिएगा एक नॉर्मल शेप में हम इसमें एक एक करके इसमें ये गुलगुले डाल देंगे। सावधानी पूर्वक डालें आप, नहीं तो हाथ इसमें जलने का डर है वो रहता है। एक नॉर्मल साइज में आप चाहें तो छोटे या बड़े भी बना सकते हैं, मैंने एक नॉर्मल शेप में इन गुलगुलों को डाला है। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी गुलगुले बनकर के तैयार होने वाले हैं। मकर संक्रांति का ये गांव में स्वीट मानी जाती है। अभी केवल इसमें हम डालें, 10 से 12 पीस इसमें आ जाएंगे, उसके बाद अभी हमें इसे हिलाना नहीं है, बस केवल एक तरफ से सिकाई हो जाए। बहुत ही लाजवाब ये स्वीट के रूप में आप काम ले सकते हैं, नेचुरल स्वीट। गाँव में पहले इसका बड़ा काफ़ी प्रचलन था, अभी तो काफ़ी कम मात्रा में बनाए जाते हैं, पर इसमें नेचुरलिटी जो है, केवल हमने इसमें चीनी, आटा, पानी और नल बुरादा डाला है। ये देखिए, पूरी कढ़ाई में
इन ग्लू एक एक करके हमने इसमें डाल दिया है। अब देखिए जो थोड़े सिक गए एक साइड से उन्हें हम पलट देंगे झर की सहायता से, ये देखिए, और एक एक करके हम इसे खोल भी देंगे। एक एक हो जाएंगे अलग अलग ये, क्योंकि जो आटा है आपस में चिपकता है, इसलिए एक बार ये कढ़ाई में डालने से चिपक जाते हैं। एक तरफ से इसे हम फिरा देंगे, ये देखिए एक अच्छी शेप में बड़े गुलाब जामुन या बड़े रसगुल्ले के आकार में ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहें तो यदि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप और इसमें डाल सकते हैं, कम करते हैं तो कम कर सकते हैं, पर मैंने एक नॉर्मल मीठा इसमें डाला है। इस तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को आप तैयार करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि मेरी डिश आपको अच्छी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें। ये देखिए जिस प्रकार सीखते जा रहे हैं हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे 6 पीस अच्छे से सीख चुके हैं, इसे हम थाली में या किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी प्रकार जो जो हमारे ये जो गुलगुले हैं वो सीख जाएंगे, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। कच्चे आप नहीं निकालें क्योंकि इनमें अच्छे से अंदर तक सिकाई होनी जरूरी है। अच्छे से अंदर से नहीं सीखेंगे तो आटा आपका कच्चा रह जाएगा और आपको नुकसान कर सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था इसलिए अच्छे से ये फूल गए हैं, और ये देखिएगा हमारे ये भी अच्छे से सीख चुके हैं। इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से निकाल करके आप बाहर निकालें। बहुत ही लाजवाब स्वीट डिश है ये। अपने छोटे या अल्ले साइज में इस गुलगुले को जरूर खाया होगा, पर इस साइज में आप बना करके देखें, और एक आटे और पानी का सही अनुपात आप डालेंगे तो इस प्रकार से जरूर आपकी ये डिश तैयार होगी। ये देखिएगा ये भी हमारे सीख चुके हैं, लगभग सारे जो ये गुलगुले हमने डाले थे अच्छे से सीख चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे गुलगुले बन करके तैयार है। अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये, देखिए कितने सॉफ्ट अंदर से, हर गुलगुले को देखिए आप अंदर से तोड़ करके, ये देखिए कितने सॉफ्ट, एकदम रसगुल्ले की भांति, जो स्पंज रसगुल्ला आपका आता है उसकी भांति। ये देखिए अंदर से देखिए बहुत ही अच्छे और लाजवाब। इसमें जाली वो पड़नी जरूरी है, जाली देखो पड़ चुकी है, टाइट नहीं होनी चाहिए ये। ये देखिए किसी भी आप गुलगुले को फोड़िए एकदम स्पंजी रसगुल्ले की तरह आपको लगेंगे। इस तरीके से आप जरूर इस रेसिपी को तैयार करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।